डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर, आज कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करें। उसके पहले हम मैं बताऊं कि जैसे स्वार्ज क्रिस्टोफल ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के कई सारे कॉन्सेप्ट हम पहले ही बता चुके हैं। इस टॉपिक को हम शुरू करें उसके पहले 2 से 3 मिनट मैं लूँगा उन सारे टॉपिक को एक बार कवर करने के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, ठीक है? क्योंकि उसके बिना आप आई थिंक नहीं समझ पाएंगे। सीधी सी बात है, समझना मतलब जो है असंभव ही है, ठीक है? तो मैं उसको थोड़ा सा याद दिला दूं आपको। मैंने लास्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट बताए थे, और कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। कोई कम्प्लेक्स वेरिएबल है, कोई कम्प्लेक्स नंबर है, जिसको कि हम लिखते आए हैं क्या, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए, ये हमने बताया है कि ये एक्स है और ये वाई है, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये इमेजिनरी नंबर को, और यही इसके पीछे और नीचे जाएगा, ठीक है? और जब ये कम्प्लेक्स वेरिएबल हम इसको चेंज करते हैं कम्प्लेक्स फंक्शंस में, कम्प्लेक्स फंक्शन से ही, फंक्शन मतलब क्या कि फंक्शन ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप कुछ इनपुट डालते हैं तो आउटपुट निकलता है। जैसे हम लोग, शरीर है, शरीर भी एक फंक्शनली अच्छा काम तब करता है जब आप इनपुट कुछ डालते हैं और आउटपुट के रूप में एनर्जी या कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकलती हैं। बाई प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे, हो सकता है निगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, बट आउटपुट और इनपुट के बीच में जो एक कन्वर्जन प्रोसेस है, दैट इज द बेसिकली फंक्शन। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने फंक्शन में चेंज किया है, ये w प्लस आई भी, और ये w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ये u और v भी आपका x y का ही फंक्शन है, ये कोई अलग चीज नहीं है, ठीक ना? और ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने लीनियर ट्रांसलेशन, रोटेशनल, इनवर्स, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सब बताए थे, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, उसके बाद आपसे जो है कहेंगे कि हाँ अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये सब डेराइवेशन वगैरह बताए थे, याद होगा आपको, ठीक है? यदि आप देखे हैं तो बिल्कुल याद होगा, नहीं देखे हैं तो बहुत मुश्किल है। ये सब जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताए थे, एक सिंगल कर्व को लिए हैं, ठीक है ना, सिंगल कर्व को, कि किस तरह से ये जेड प्लेन है और डब्ल्यू प्लेन है, मतलब यू भी है और ये एक्स वाई प्लेन है, किस तरह से ये सब चेंज किए हैं, ये सब राम कहानी हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं। और आज जो है ट्रांसफॉर्मेशन में बात करें तो हमने ये जैसा कि बताया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशनल, इन्वर्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा एक सेकंड में दिखा दूं। ये सारी चीज़ें जो है आपके पास है, ये मैग्निफिकेशन एंड रोटेशनल जो है, और इसी में सिक्वेंस में आपको बताए थे जो इन्वर्स एंड जो है रिफ्लेक्शन, ठीक है? बेसिकली आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना? उसी तरह से एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन था बाईलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना? ये बाईलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लेक्चर नंबर 263 में बताए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय भी हमने बताया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस समय भी हम लिखे थे, आज भी लिख रहे हैं, ठीक है ना? यदि आप देखें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है इसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट में आपको बता करके चलें आगे बढ़ें। ये देखिए कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेशल कन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ बताए थे कि इफ़ द एंगल, मतलब यहाँ पर अभी तक जो देख रहे थे सिंगल कर्व था, अभी यहाँ पर दो कर्व है, एक कर्व दो कर्व, एक कर्व दो कर्व, इसकी मैपिंग किए हैं एक्स वाई के अंदर जो है, उसकी मैपिंग किए हैं जो यू वी में, एक्स वाई को यू वी में मैपिंग किए हैं। अब इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यदि दो कर्व के बीच का एंगल यहाँ और यहाँ सेम रहता है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? इसको हमने बहुत ही बारीकी से जो है प्रूफ भी किया था, ठीक है? उसी सीक्वेंस में हमने
काफी सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट लेकर के कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्स वाई को, मतलब यू वी में। ये मैं आपको फिर से बताऊं, ये एक्स वाई है और इसको चेंज करके यू वी में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने बताए थे, ठीक है। तो आज आगे बढ़ते बढ़ते अब हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पे, एक नए टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन में, और ये आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट ही टॉपिक होगा। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग, लेकिन पहले तो थ्योरी तो पढ़ लें, इसका कॉन्सेप्ट तो पढ़ लें। तो ये जो क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिकली दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। अब अभी तक जो हम लोगों ने बात किए हैं उसमें सर्किल का भी बात किए, और सर्किल का, इलिप्स का, ये सब खूब बात किए हैं, ठीक है ना। हमने आपको दिखाया भी था कि ये सर्किल का इक्वेशन बार बार आता है, ठीक है ना। इस तरह से सर्किल का इक्वेशन आएगा, इलिप्स का इक्वेशन आएगा। अब बात आती है पॉलीगन की, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट भी बताए थे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि लेक्चर नंबर 263, 264 और आज के ये लेक्चर नंबर 265, ये तीनों लेक्चर जो है बेस्ड है किस पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे, ठीक है ना। ये बेस्ड है किस पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे, ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड। तो आप सीक्वेंस में देखते आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखते आ रहे हैं तो जरूर देखिएगा सीक्वेंस में। तो अब जब बात करते हैं स्वाज क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये वस्तुतः है क्या कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंटीरियर ऑफ पॉलीगन ऑफ डब्लू प्लेन इनटू द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन एंड बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन इनटू द रियल एक्सिस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डिस्कस करें, ठीक है ना। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दें या लिख दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देश इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे क्योंकि क्लियर ना हो पाए तो दिक्कत है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स दी, मैप्स दी इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए ऑफ ए पॉलीगन ऑफ द डब्लू प्लेन इनटू द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन एंड द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन इनटू द रियल एक्सिस, ठीक है। अब इसका दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द इंटीरियर ऑफ पॉलीगन, क्योंकि अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या पढ़े थे आपका, सर्कल, इलिप्स, रेक्टेंगल। अब ये पॉलीगन में रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन सब आएगा, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है कि डी डब्ल्यू अपन डी जेड इक्वल टू ए। अब ए क्यों आएगा, क्योंकि ए जो है आपका इंडिकेट करेगा जो है एक कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट ऑफ द पॉलीगन, और जेड माइनस एक्स वन अपन अल्फा वन अपन पाई माइनस वन, दूसरा साइड जेड माइनस एक्स टू, ठीक है ना, अल्फा टू अपन पाई माइनस वन एंड सो ऑन। ये जाएगा जेड माइनस एक्स वन और इधर अल्फा एन अपन पाई माइनस वन, ठीक है। या इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू और ए जो है कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर कर लिए, सारी चीज़ें अब कहाँ जाएगी आपकी इंटीग्रेशन के अंदर, तो अल्फा वन अपॉन पाई माइनस वन और इधर जेड माइनस एक्स टू अल्फा टू अपॉन पाई माइनस वन एंड सो ऑन। और डी जेड और इंटीग्रेशन से बाहर बी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना पड़ेगा ना, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक ना। यहाँ पर अल्फा वन वेयर लिख सकते हैं हम, वेयर अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन आर द इंटीरियर एंगल, आर द
इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन हैविंग वर्टाइसेस W1, W2, etc. which maps into the points X1, X2 which maps on the point X1, X2 on real axis of the Z-plane. ठीक है, of the Z-plane. A and B are complex constant. ठीक है, अब दी पॉलीगन. अब इसका प्रूफ करना हो, ठीक ना, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि ये होता है. अब इसका प्रूफ क्या है, तो सिंपल सा प्रूफ है, ठीक ना, कि इसका एम्पलीट्यूड निकाल दीजिए. क्या, इसका एम्पलीट्यूड निकाल दीजिए. तो आप निकालेंगे यदि एम्पलीट्यूड ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ, और क्या था पूरा का पूरा आपका, क्या हो जाएगा, ए, ठीक ना, प्लस ए अल्फा वन अपॉन पाई माइनस वन इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ, क्या था पहला, जेड माइनस एक्स वन प्लस अल्फा टू अपन पाई माइनस वन और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एक्स टू एंड सो ऑन. ये चलते जाएगा, जाएगा कि नहीं. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो आपका पार्ट बना, ठीक ना, ये जो आपका फॉर्मूला है, ये तो जाएगा दूर तक, ठीक ना. अब ये यहाँ पर जो आपको पॉलीगन डिफाइन किए हैं, पॉलीगन में आप देखेंगे तो ये जो है आपका, यहाँ बना देते हैं, ज़्यादा अच्छा है. ये कोई पॉलीगन है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, यू, और ये क्या है, वी, और यहाँ पर यही जो है क्या है, एक्स वाई है, एक्स और वाई, ठीक ना. अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो है, जो भी पॉलीगन है, इसमें एंगल जो लेंगे, एंगल एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच जो एंगल है, तो ये आपका एक लाइन, ठीक ना, कोई ये तीसरा लाइन होगा, ठीक ना, ये तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, ऐसे चलते जाएगा, क्लोज लूप बनेगा. और ये जो है आपका एंगल, मान लीजिए कि अल्फ़ा वन है, ये अल्फ़ा टू है, ये अल्फ़ा थ्री है, ठीक ना, ये अल्फ़ा फोर है, ये अल्फ़ा फाइव है, सब इंटीरियर एंगल है, ठीक ना. और ये W1, ठीक ना, W2, W3, W4, etc. क्या है आपका, वर्टाइसेस है. यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी पॉइंट P है, कोई जेड फंक्शन है, ठीक ना, तो यहाँ पर दो पार्ट होगा, एक आपका नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट. ये कौन सा प्लेन है, जेड प्लेन है, ध्यान रखिएगा. और ये कौन सा प्लेन है, डब्ल्यू प्लेन. और यहाँ पर जेड प्लेन में ये पार्ट जो है, मान लीजिए कि एक्स वन है, एक्स टू है, ठीक ना, और ये एक्स एन निगेटिव साइड में है और ये पॉजिटिव साइड में, फिर एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, और ये कोई भी आप निकालेंगे एक्स वन से, एक्स टू से, एक्स थ्री से, एक्स फोर से, ये थीटा वन, थीटा टू, यहाँ से थीटा थ्री, एक्स से जो एंगल बनेगा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पर अब आप समझ गए कि जैसे जैसे जो है जेड मूव कर रहा है, जेड मूव्स अलोंग द रियल एक्सिस लेफ्ट टुवार्ड्स एक्स वन, एंड यू कैन सपोज दैट डब्ल्यू मूव्स अलोंग द साइड डब्ल्यू एन माइनस वन, डब्ल्यू एन माइनस टू, ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू वन है, ये डब्ल्यू टू है, दैट मीन्स कि सीक्वेंस में जा रहा है कि नहीं. एज जेड क्रॉसेस एक्स वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन थीटा वन क्या निकाले थे, एम्पलीट्यूड जेड माइनस एक्स वन, ठीक है, एम्पलीट्यूड जेड माइनस एक्स वन.
और ये अल्फा वन अपन पाई माइनस वन, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये सब किधर से हम लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज कोई भी एक पॉइंट लिए हैं, यहां से एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है एक इक्वेशन, एक सॉरी क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं तो थोड़ा सा और कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कहता है कि फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द, फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द सेमी इनफिनाइट स्ट्रिप इन द डब्ल्यू प्लेन इनटू द अपर हाफ, इनटू द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन, अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन, ठीक है। तो यहां पर इसको हम करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, U और ये क्या हो गया V, और ये क्या हो गया हमारा XY प्लेन, ठीक है ना। ये X यहाँ पर इधर मूव कर रहे हैं तो ये हो गया आपका A डैश, B डैश, C डैश और D डैश। ये मान लीजिए यहाँ माइनस वन है और ये वन है, ठीक है। और ये जो है आपका यही पॉलीगन है ए बी सी और डी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये सब एक दूसरे से कितने पे है, 90 डिग्री पे है कि नहीं। ये विड्थ मान लीजिए क्या है इसका, बी है। अब आपको पूछ क्या रहा है कि फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द सेमी इनफिनाइट स्ट्रिप, सेमी इनफिनाइट स्ट्रिप इन द डब्ल्यू प्लेन इनटू द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने मान लिया क्या, ए बी सी डी इज द लिमिटिंग केस, इज द लिमिटिंग केस ऑफ ए ट्रायंगल विथ टू वर्टाइसेस बी एंड सी, ठीक है ना। क्योंकि इसको यदि यहाँ पर मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल, इसको यहाँ पर मिला देंगे तो एक ट्रायंगल, ठीक है ना। और थर्ड वर्टेक्स इसका ए या डी जो भी आप ले लें, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, इसको ऐसे मिला दें चाहे इसको ऐसे मिला दें, बट ये है कहाँ पर, इन्फिनाइट पे है, इन्फिनिटी पे है। अब यहाँ मान लीजिए कि बी एंड सी मैप इनटू द पॉइंट बी डैश माइनस वन, ये जो है मैप कर रहा है बी डैश माइनस वन पर और सी डैश टू वन पर, ये हमने लिया है ना, ये वन और ये वन, ठीक है ना, ऑफ द जेड प्लेन। दैट मीन्स द इंटीरियर एंगल एट बी एंड सी विल बी लेसर देन पाई बाई टू और मैक्सिमम इट कैन बी पाई बाई टू, क्योंकि ट्रायंगल यदि हम फॉर्म करते हैं कोई एक एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, पाई बाई टू, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। सो वी हैव फ्रॉम क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या इसको लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू ए और जेड प्लस वन, ए जेड प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा, पाई बाई टू बाई पाई माइनस वन, अल्फा माइनस वन होता है यहाँ, पाई बाई टू अल्फा की जगह पर है, फिर जेड माइनस वन और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू अपॉन पाई माइनस वन, ठीक है ना, क्योंकि दो ही है यहाँ पर। तो अब क्या हो जाएगा, जेड प्लस वन प्लस वन माइनस वन, और यहाँ पर अब आ गया ये क्या, मोड निकालेंगे, ठीक है ना, तो ए अपन स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, इंटीग्रेट कर दें तो डब्ल्यू निकल जाएगा ए, और इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपन क्या, स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, प्लस एक आपको लेना पड़ेगा क्या, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो बी लेते थे, जेड स्क्वायर माइनस वन किसका इंटीग्रेशन होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉस और प्लस बी, ठीक है ना।
अब इसको कंडीशन आप रखेंगे व्हेन जेड इक्वल टू वन, जेड जब वन है तो आपका डब्लू कितना है जीरो एंड ठीक ना। अब यहाँ पर जेड इक्वल टू जब माइनस वन है तो डब्लू क्या है आई बी, डब्लू क्या है आई बी। अब इससे दोनों से आप निकाल लीजिए, यहाँ रखेंगे आप तो जीरो इक्वल टू ए कॉस एच इनवर्स जेड, जेड का वैल्यू कितना है माइनस वन प्लस बी, मतलब यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस वन प्लस बी, दैट मीन्स कि बी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया जीरो, और यहाँ पर जब जेड इक्वल टू माइनस वन वाला कंडीशन रखेंगे तो क्या हो जाएगा आई बी इक्वल टू ए कॉस एच इनवर्स माइनस वन और प्लस क्या जीरो, दैट मीन्स क्या हो गया कॉस जो है एच आई बी अपन ए इक्वल टू माइनस वन, दैट मीन्स कि कॉस आई एच बाहर आ जाता है तो डायरेक्ट क्या बचता है बी अपन ए इक्वल टू माइनस वन, मतलब क्या कॉस पाई, मतलब बी अपन ए कितना हो गया पाई, ठीक ना। तो यहाँ पर बी अपन ए कितना हो गया पाई, तो ए इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई बी लिख सकते हैं। तो उसी चीज को अब यहाँ पर डब्लू अब निकाल सकते हैं फाइनल, तो क्या हो गया बी अपन पाई ए की जगह पर और कॉस एच इनवर्स जेड, ठीक ना। और इसको और लिख सकते हैं जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉस एच पाई डब्लू अपन बी, ये आपका हो गया इक्वेशन जेड और डब्लू में रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ट्रांसफॉर्मेशन का ये लास्ट टॉपिक था, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, क्या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। जैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लाइन इंटीग्रल और वॉल्यूम एरिया इंटीग्रल ये सब पढ़े हैं, उसी तरह से अब इंटीग्रल वाला टॉपिक शुरू होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट टॉपिक था सर क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको आज हम लोगों ने देखा, एक कॉन्सेप्ट भी बताए और एक छोटा सा क्वेश्चन भी बताए कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी हैप्पी बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।